हेलो गाइस, ये आज का सेकंड कस्टम है। वो प्लेन पास देख सकते हैं, प्लेन पास जा रहा है नोवो मिलिट्री बीच से जॉर्जपुर सिटी की तरफ। और बहुत सारे बंदे पूछ चुके हैं, एक टीम ये टीम एक्सटी जा रही है शायद अपने पुराने लोकेशन पे, और एनएस किलर उसका लैटम और स्कल स्पाइडर ये लोग जाते हुए मिलिट्री, देखते हैं क्या होता है इधर। और भी टीम से आ रही है, स्कल साइलेंट इधर इधर ये भी शायद मिलता ही जाते हुए, या नहीं ये कंपाउंड्स वगैरह लूटेंगे छोटे मोटे शायद ब्रिज की तरफ वाले। अब देखते हैं क्या होता है आगे। इधर 777 डायनो डैमेज हो चुके हैं, हाफ एचपी हो गए। इनके पास वेक्टर है, वेक्टर और पिस्टल है। देखते हैं क्या होता है इधर। इनके क्लोज में कौन सा प्लेयर है देखते हैं। अभी तो उन्होंने कूद वो कूद चुके हैं, और इस इधर राइट से शायद एंगल हो जाए, राइट या लेफ्ट से कहीं एंगल बढ़ जाए मिल सकता है इधर। टूवल इधर मॉली आते हुए डाइनो पे, लोफियास पे भी वेक्टर आ गई है, बीआई डायमंड पे स्कारल हो गई, पर ये अभी एक अलग है। कनेक्ट नहीं होते हुए, बट उनको राइट से पढ़ते हुए क्रोल टाइकून ने वेक्टर मार दिया और फिनिश भी शायद कर देंगे। हाँ फिनिश भी कर दिया, क्रूअल कॉल ने फिनिश कर दिया। इधर आईएनएस निंजा ने क्रूअल डीपी को नॉक निकालते हुए। इधर एंटू किलर टीम रॉयल ने एक वेनम के प्लेयर को नॉक कर दिया और पूरा खराब कर दिया। क्रूअल डीपी इधर है, देखते रॉयल अभी तो ये शायद दूर है तो वो भी फाइट नहीं होगी। तो बी आई डायमंड ने क्रूअल डीपी को नॉक निकाल फिनिश करते हुए। देखते हैं क्या होता है, कवर फायर देनी चाहिए डायमंड भाई को। एनएस किलर पुश मारते हुए आ गए और नॉक निकालते हुए, वेक्टर से एक अच्छा नॉक निकाल दिया है। अकेले प्लेयर 1v2 कर चुके हैं, 1v3 बचा हुआ है, तो रिवाइव दे देना चाहिए अभी बीआई डायमंड को। और एक अच्छा ये 1v3 करते हुए एनएस किलर पीआर सेंट पीएल इधर रख के, ये दोनों बचे हुए प्लेयर हैं जो मिलिट्री में। सामने की आते हुए ये नॉक निकाल पाएंगे, एक अच्छा नॉक निकालते हुए अंश ने यूएमपी से कंटिन्यू करिए, और एक पर इधर बीच से कप्तान ने एकदम मार दिए से। अब देखते हैं ब्लैक आई बचे हुए हैं और उनका एक प्लेयर खत्म हो चुका था, और कप्तान ने फिनिश कर दिया अच्छा मूवमेंट देते हुए। इधर कप्तान क्लोज इन कर चुके हैं टीनो 25 के प्लेयर्स के, पर इधर पनिशर भी नॉक हो चुके हैं रॉयल के थ्रू। इधर पनिशर ने स्पॉट शॉट कर लिया है रॉयल को, बट रॉयल की तरफ से अच्छा स्प्रे आते हुए और 20 या 30 एचपी बचे हुए पनिशर। इधर एमएन स्पॉट के प्लेयर इधर आते हुए टीनो 19 के प्लेयर के पास, और एक डेविन ने अच्छा नॉक निकालते हुए गाड़ी गिरा दिया। किंग इधर किंग आ चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं, ये अच्छा पीक एंड फायर करके अच्छा हेड कनेक्ट करा, सारे से नॉक किया और फिनिश भी स्टडी कर देंगे। इधर आते हुए तब इधर कप्तान ने अच्छा जंप शॉट मारते हुए नॉक निकाल दिया। इधर फिनिश कैम करते हुए और उसको नॉक फिनिश कर दिया रॉयल, अभी ओपन आते हुए इधर फिनिश कर दिया है रॉयल को हेड मारते हुए, रॉयल की हेल्थ बहुत लो थी। इधर किंग अंश पे नेट्स वगैरह आते हुए और हेल्थ भी थोड़ी आधी 75 से थोड़ी कम हो गई, 50 एचपी हो गई है इनके, तो बस उधर से अच्छा स्प्रे आते हुए आरसीएच के थ्रू। इधर टीम और रन के प्लेयर्स एक प्लेयर ऑफलाइन भी है, तो ये 2v4 है और चार होते हैं टी एस के, और
सामने गाड़ी जाके रुक गई है। लॉस ड्राइवर ने अच्छा नॉक निकालते हुए एनाकोंडा बड़ी ने भी ग्रो देखते हुए नॉक निकाल दिया। इनका एक प्लेयर ऑफलाइन है शायद, क्योंकि उसकी हेल्थ देख सकते हो उसकी जा रही है ऑफलाइन है, और ये नॉक पहुँचेंगे पूरी टीम इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। इधर टीम नंबर 22 के प्लेयर कहाँ चलाते हुए, पर उधर से एम के चलाते हुए भी हैं और अच्छा नॉक निकाल RSH डेविन ने फिर इधर नॉक निकाल दिया है हंटर को। इधर कप्तान के क्लोज में आ चुके हैं क्लासिको पे और बहुत लो हो चुके हैं, 120 HP है केवल। कप्तान इधर क्लोजिंग कर चुके हैं, क्या नॉक निकाल पाएंगे, और इधर बहुत गलत सिचुएशन में आ चुके हैं। हील तो कर लिया है ये थोड़ा अटकते हुए कप्तान, और इधर दो से स्प्रे आते हुए RSH डिवाइन ने नॉक निकाल दिया, नॉक सॉरी नहीं फिनिश कर दिया। कप्तान के क्लोज में 14 के प्लेयर्स आ चुके, टीम में 14 के प्लेयर आ चुके हैं, और गलत सिचुएशन पर चुके हैं और प्लेयर हो चुके हैं। दोनों में अच्छी हूँ, अगर अच्छा नॉक निकाल दिया कप्तान। एक और प्लेयर इधर पर पीछे से बैकअप करने के लिए आ गए, टीम नंबर 19 के प्लेयर्स नेट्स वगैरह आते हुए टीम नंबर 14 के थ्रू, बट इधर हील्स हो चुके हैं और 7 फिनिशर्स हैं, इनकी टीम के 11 फिनिशर्स हो चुके हैं। तो ये टीम बहुत बढ़िया खेल रही है किल्स के लिए, क्योंकि एकदम रिलैक्स होके टीम में 14 के प्लेयर नेट वगैरह कुक करते हुए, तो कोई है नहीं पर भी, बट हाँ उधर LS अमित 1 HP हो गए हैं नेट उस नेट से, बट उधर कवर में आएगा तो यार नेट तो जाएगा नहीं। और XYZ के अभी भी 3 प्लेयर बचे हुए हैं और 3v3 सिचुएशन हो चुकी है। कप्तान इधर नेट मारते हुए, क्या ये नेट सही से जाएगा कि नहीं देखते हैं। और ऊपर XYZ के स्लेयर ऊपर चुपचाप कैम करे हुए हैं, पर कोई भी ऊपर बंदा है तो ईजिली वो फिनिश कर देंगे उसको। इसे कप्तान क्लोज करते हुए बट इधर अच्छा नॉक निकालते हुए एडवर्ड प्लेयर और पूरा फिनिश कर दिया और जंप कर चुके हैं। नेट्स वगैरह भी आ रहे थे पर नेट से बचे, बट एनाकोंडा बड़ी ने हेड मारते हुए एग्जॉस्ट प्लेयर को नॉक कर दिया। अब एग्जॉस्ट प्लेयर थोड़ा गलत फंस चुके हैं पोजिशन में। XYZ गॉडज़िला भी उधर ऊपर से हैं, कोई एम वगैरह ट्राई कर रहे हैं लेने का RSH के ऊपर। स्मोक्स वगैरह आते हुए, 2 स्मोक्स आए हैं एक्सपोर्ट प्लेयर पे और भी स्मोक करते हुए। इधर LS अमित MK लेके आ चुके हैं, और तो चाहे नॉक निकाल पाएंगे, और हेल्थ बहुत लो हो चुकी है LS अमित की। हील ट्राई कर रहे हैं, और इधर गाड़ी सब इनकी, और LS अमित नॉक हो चुके जोन से, एक ही प्लेयर बचे हुए हैं इनकी टीम से, और इस जोन में रिवाइव भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये डेड जोन है। जोन में हालत पे पहुंचना है, और अभी 2-3 टीम्स इधर, 2 टीमें हैं XYZ और XYZ भी पूरी पहुंच चुकी है। RSH बचे हुए, इन्होंने भी 4 फिनिश निकालते हुए, ये सही चीज है। LS अमित पूरा फिनिश होते हुए जोन से खाते हुए और रुक गए एक जगह जाके। इधर स्कल स्लाइंड अपनी टीम को बदला लेते हुए नॉक कर दिया AKM से। अभी वैनम बचे हुए हैं, वैनम को पूरा नॉक कर दिया और फिनिश स्टार्ट कर देंगे। पनीचा क्लॉथ बंदे बचे हुए हैं और फिनिश हो गए RSH के वो 1 HP होते हुए। बाय द वे एनाकोंडा बड़ी ने ग्रोजा के थ्रू नॉक फिनिश कर दिया, स्पॉट कर लिया और नॉक कर दिया। क्या ये फिनिश निकाल पाएंगे क्लॉथ जैगो पर, उधर से फिनिश निकालते हुए एग्जॉट गॉडज़िला। इधर स्कल क्लाइंट स्लिट्स क्लोज में एनाकोंडा बड़ी आ चुके हैं, जो उनके पास ग्रोजा है, बैकअप आते हुए पीछे 3 बंदे मार रहे हैं टोटल। गलत सीन होते हुए मिस्टर स्प्रिट्स गेमर ने फिनिश कर दिया स्कल्स प्लेस को।
और इधर पंच बहुत अच्छी जगह छुपे हुए हैं, बट इधर बहुत कर लिया वैश्वकर ने और फिनिश करते हुए यूएमपी। मेरे लगा वैश्वकर फिनिश होंगे, बट इधर वैश्वकर ने पनिशर को फिनिश कर दिया। इधर स्मोक्स वगैरह करते हुए गॉडज़िला स्पॉट करते हुए, बट और इतनी लो एचपी में गॉडज़िला को नॉक निकालते हुए। पोजीशंस वगैरह देख सकते हैं आप इधर, एक्स वाई जेड रिकॉर्ड रिएक्शन स्पॉट्स वगैरह होते हुए वगैरह आते हुए उधर से और डैमेज होते हुए और पूरी सही से लोकेशन देख सकते हैं। इधर से थ्रोएबल यूज़ करने कर रहे हैं पर आ नहीं गए उधर, अच्छी डिप टाइप की है। इधर नेट्स वगैरह चाहते हुए तीन तीन नेट्स आते हुए कितने लो होंगे, एनाकोंडा बड़ी लो होते हुए और तीनों और एनाकोंडा बड़ी और लो हो गए, 30 HP बचे हुए। तीनों बंदे एक साथ अगर एक गोल्डन नेट आएगा तो तीनों बंदे मर सकते हैं। फायर वगैरह होते हुए इधर मिस्टर स्पेस गेम ने हेडशॉट मार के एक्स वाई जेड स्लेयर को नॉक निकाल दिया और नेट्स वगैरह अभी भी आते हुए, बट फायदा नहीं है नेट से, अगर नॉक लेके तभी फायदा है वरना रिवाइव तो हो गए एक्स वाई जेड और जिला, बट अब कोई भी थ्रोएबल आ जाए तो दिक्कत लगती है। बट इधर मॉली आते हुए पर किसी को डैमेज लगते नहीं है और इस जोन को जाना है दो नॉक निकाल दिए। आखिरी एक मॉली से एनाकोंडा बड़ी की मॉली से मर चुके हैं और ये दे सकते हैं आप रिजल्ट्स।